हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग होटल बिजनेस से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कंपनी है, आप लोगों को लगभग 160% के आसपास रिटर्न देके जा रही है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड सितंबर के क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने 2.29% अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। LIC की भी होल्डिंग है इस कंपनी में और हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो करीब 15% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में बेसिकली तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट्स रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, HLV लिमिटेड। कंपनी जो है वो मुंबई में स्थित है एंड ये कंपनी जो है वो उसका जो फाउंडर है वो है लेट कैप्टन CP कृष्णन नायर, देख सकते हो आप लोग। एंड कंपनी जो है वो होटल बिजनेस चलाती है। देखो, अगर प्रॉपर्टी के लिस्ट देखना है, कहाँ कहाँ पे इन लोगों के होटल्स है, वो सब कुछ जानना है अगर कंपनी के बारे में, तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 700 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है। कंपनी के जो PE है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ सब कुछ नेगेटिव में जा चुकी है। 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 18.4% के आसपास प्लेज हो रखा है। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो करीब 3% के आसपास निकल के आ रही है, या फिर 2.5% के आसपास निकल के आ रही है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी देख सकते हो यहाँ पे डेब्ट रिड्यूस किया है एंड ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बन चुकी है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। अगर दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी सही परफॉर्म करती है, हो सकता है आप लोगों को एक बहुत ही सही रिटर्न मिल जाए कंपनी की तरफ से। डेब्टेड डेज भी इंप्रूव हुई है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 2.29% लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। ये तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया था। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और लास्ट 5 ईयर्स में जो कंपनी की सेल्स है वो एकदम खत्म ही हो चुकी है बाई -51%, देख सकते हो आप लोग। लास्ट 3 ईयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3.08% है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 933.27 करोड़। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है बेसिकली, देख सकते हो आप लोग। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, एक पैटर्न नोटिस करोगे कंपनी में, तो वो है कि देखो, कंपनी पहले से ही एकदम लॉस मेकिंग नहीं है। कंपनी पहले की 3 साल कंपनी ने प्रॉफिट दिया, काफ़ी सही प्रॉफिट दिया है। उसके बाद कंपनी एकदम से लॉस मेकिंग बन गई और 400 करोड़ प्लस लॉस पोस्ट करती थी। उसके बाद -180, -15, -23, -119, मतलब यहाँ तक कंपनी बहुत ही सही रिकवरी शो कर रही थी। उसके बाद फिर से एक बार 100 करोड़ प्लस की लॉस, उसके बाद डायरेक्टली प्रॉफिटेबल, अभी फिर से 50 करोड़ से भी कम की लॉस शो कर रही जैसे कि बीच में हुआ था। तो ये देख के धोखा मत खाना। देखो, एक कहावत है स्टॉक मार्केट में कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो देखो, एक्सेप्शन हर जगह पे होता है। हो सकता है ये कंपनी इसके बाद देखो लॉस के फिगर्स जो है वो इम्प्रूव कर रही है कंपेयर टू दिस, तो हो सकता है कंपनी इसके बाद प्रॉफिटेबल बन जाए। लेकिन अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, जिसका सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लॉस दे दे। देखो, मैं इतना कन्फ्यूजन में आप लोगों को नहीं रखूंगा कि कंपनी मतलब बाई करूँ या ना करूँ, उसके पहले मैं आप लोगों को बैलेंस शीट चेक कराया था। तो देखो गाइस, 2020 की फाइनेंशियल ईयर से एक काफ़ी सही आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा बैलेंस शीट में भी, और यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 2020 की फाइनेंशियल ईयर में। 2020 की फाइनेंशियल ईयर में भी मतलब ये देख सकते हो आप लोग। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो गाइस, हो सकता है कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बन जाए, बट अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट सिचुएशन मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि देखो, मैक्सिमम टाइम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और अगर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ऐसा हो जाता है तो फिर से कंपनी जो है वो 2023 की फाइनेंशियल ईयर में लॉस देगी और ज़्यादा लॉस देगी कंपेयर टू 2022 की फाइनेंशियल ईयर। तो बेकार में आप लोगों को पैसा डुबाने का कोई भी मतलब, देखो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा डूब जाए, और मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप लोगों का पैसा डूब जाए, इसलिए अभी बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि हाँ, इस बार ये कंपनी रिकवर करके प्रॉफिट दे सकती है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स, तो आप लोग आराम से बाई करके चल सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी जो है वो इम्प्रूव करेगी। देखो, मेरे लगने या ना लगने से कुछ भी नहीं होगा। अगर कंपनी फ्यूचर में रिकवर कर जाती है देन यू कैन बाई फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि कंपनी आप लोगों को काफ़ी सही प्राइस पर मिल रहा है। एक पेनी स्टॉक है ये, तो हो सकता है मल्टीबैगर रिटर्न भी मिल जाए अगर कंपनी की फंडामेंटल्स में सुधार आता है तो। अगर कंपनी इम्प्रूव मतलब रिकवरी दिखाती है तो आप लोगों को एक काफ़ी सही रिटर्न देके जा सकती है कंपनी।
लेकिन अभी के लिए मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लोग को रिस्क लेना है तो 100-200, मतलब 100-200 क्वांटिटी नहीं, 100-200 रुपये लगा के छोड़ दो। जितना क्वांटिटी आता है, देखो 200 क्वांटिटी में, मतलब 200 रुपये में 20 क्वांटिटी लगभग आ जाएगा, 20 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी मतलब खरीद के छोड़ दो। जितना आप लोग कर सकते हो उतना खरीद के आप लोग छोड़ दो, बाकी अगर कंपनी मल्टीपल अगर रिटर्न देखी जाती है तो 200 रुपया, 20,000 हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, ऐसा रिटर्न आप लोग को मिल जाएगा। एक रिस्क ले सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लोग को लगता है कि रिस्क लेना वर्थ इट रहेगा तो ही रिस्क लो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो LIC की होल्डिंग है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो गाइस लॉन्ग टर्म के बारे में तो हो गया, लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंपनी कैसी है। देखो गाइस शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला, चाहे आप लोग को भरोसा हो या ना हो, क्योंकि देखो लास्ट सिक्स मंथ्स में कंपनी 3% से भी कम रिटर्न देके जा रही है। लास्ट सिक्स मंथ्स में अगर 6 मंथ्स पहले किसी ने बाय किया होगा तो बैंक से भी कम रिटर्न उसको मिल रहा होगा, सॉरी बैंक नहीं, FD से भी कम रिटर्न उसको मिला होगा। तो बिल्कुल भी नहीं गाइस, स्विंग ट्रेडिंग करो एंड प्रॉफिट को एंजॉय करो इस स्टॉक में। बाकी भरोसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, शॉर्ट टर्म के चक्कर में मत पड़ो। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे। आज कंपनी में 253,412 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 27 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है एंड यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी अपडेटेड नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते वॉल्यूम की स्ट्रेंथ क्या रही होगी। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है, कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। आज कंपनी 2.79% डाउन थी, ये क्या था, 10 रुपये के, 10.5 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो सेम पैटर्न आप लोग को देखने को मिल रहा है इस बार भी, तो हो सकता है कि कंपनी ऐसे कुछ करे या तो फिर डायरेक्टली ऐसा कुछ दिखा दे। देखो गाइज़ कन्फ्यूज मत होना एंड ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि कंपनी क्या करेगी, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, कुछ भी नहीं करना है उससे। अगर नीचे जाती है तो नीचे की जैसे ट्रेड लोगे, अगर ऊपर जाती है तो ऊपर की जैसे ट्रेड लोगे। अगर बाई चांस नीचे जाती है तो गाइज़ वेट करना है। अगर देखो नीचे जा रही है मतलब जितना नीचे के लेवल पे मिल रहा है उतना बाई कर रहा हूँ, तो वो मत करना अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो। अगर नीचे जा रही है और जा ही रही है, ठीक है, और यहाँ से बाउंस बैक दे रही है 7.5 रुपये के लेवल पे, आप लोगों को सतर्क हो जाना है अराउंड दिस लाइन, क्योंकि हो सकता है कि नीचे की तरफ अगर कंपनी ब्रेकआउट दे रही है तो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट के बाद और भी ज़्यादा नीचे जाएगी। तो 7.5 रुपये के लेवल से आप लोगों को यहाँ तक के जो ये जो लाइन मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, लगभग ये 8.9 मतलब 9 रुपये के टारगेट के लिए आप लोग को होल्ड करना है। 7.5 रुपये के यहाँ पे बाई करके 9 रुपये के टारगेट रहेगी आप लोग। अगर आप लोग को लगे कि 9 रुपये के टारगेट के ऊपर कंपनी क्लोज कर रही है तो आराम से आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 14.05 डायरेक्टली। और अगर आप लोग को लगे कि नहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है और भी नीचे जा सकती है कंपनी, एग्जिट करके निकल जाओ, एज सिंपल एज दैट। और अभी डिस्कस कर लेते हैं अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो, अगर ऊपर की तरफ फेकआउट देती है तो हो सकता है 12 रुपये के टारगेट, हो सकता है 11 रुपये के टारगेट से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाए और यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहे या तो फिर इससे भी नीचे गिर जाए। तो आप लोग को बाय कब करना है, जब भी ये कंपनी रिट्रेसमेंट दे, रिट्रेसमेंट के टाइम पे आप लोग बाय करके चलो अराउंड द लेवल्स ऑफ 10.5 हो गया एंड 11, 10.5 टू 11 रुपीज़ के बीच में रिट्रेसमेंट के वक्त आप लोग को मिल जाएगा, तब आप लोग बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 14.05, 15.5 एंड 16.95, एज सिंपल एज दैट। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, नीचे जा रही है कंपनी, ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, बाउंस दिया कंपनी ने 7.5 के लेवल से, यहाँ पे देख सकते हो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। 7.5 रुपये के लेवल से कंपनी ने बाउंस दे दिया, हो सकता है कि कंपनी अभी रिट्रेसमेंट लेके और भी नीचे जाएगी। अगर यहाँ पे लगे आप लोगों को बिल्कुल भी कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, ज़रा से भी अगर लगे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है, एग्जिट करके निकल जाओ। और अगर आप लोग को लगे कि कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है और भी ऊपर जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे चांस तक ही यहाँ पे यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके कंपनी और भी नीचे चली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, बाइंग हुई है ज़बरदस्त, देख सकते हो यहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग हुई है और कंपनी ऊपर चली गई है, अपना जो टारगेट है वो हिट कर दिया है। तो यहाँ पे बाई करके आप लोग डायरेक्टली 14.05 मतलब लगभग 100% के आसपास की रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा अगर रिट्रेसमेंट नहीं देती है नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद तो। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है तो ब्रेकआउट इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो बाई कर लिया, ये बिल्कुल भी मत करो, वेट फॉर द ब्रेकआउट कन्फर्मेशन, रिट्रेसमेंट के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 14.05, 15.5 एंड 16.95, एज सिंपल एज दैट। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो गाइस, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार समझ जा चुका हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ही है, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन।
तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ। बाहर का हालात बहुत ही ज़्यादा खराब है ओमिक्रॉन के केसेस की वजह से।